नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में कोरोना की तीसरी लहर का असर अब खत्म हो गया है। कोरोना के मामलों में लगातार रिकॉर्ड कमी दर्ज की जा रही है। कोरोना के डेली मामले अब 5000 से नीचे पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर अपडेट भी जारी किया है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 4362 नए मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। फोन कॉल करीब 35 मिनट तक चली। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में स्थिति पर चर्चा की। भारत सरकार के सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की है। पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार की तरफ से दी गई सहायता के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने सोमवार को कहा है कि 5 में से 4 राज्यों में भाजपा सरकार बनाने में कामयाब होगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने जो काम किया है, जनता उसका इनाम भी पार्टी को देगी। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है और पंजाब में भी हमारी स्थिति बहुत सुधर गई है। उत्तर प्रदेश में अच्छे बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। फलिस्तान में भारत के राजदूत मुकुल आर्या की रहस्यमय तरीके से जान चली गई है। आर्या रमल्ला स्थित भारतीय दूतावास के अंदर ही मृत पाए गए हैं। आर्या रविवार को रमल्ला स्थित भारतीय दूतावास के अंदर ही ऐसी स्थिति में पाए गए हैं। अभी तक उनकी जान क्यों गई है, इन कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। वो एक युवा राजनयिक थे और 2008 में ही भारतीय राजनयिक सेवा से जुड़े थे। उन्होंने जून 2021 में फलिस्तान में कार्यभार संभाला था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने रविवार को कहा है कि असम में कई जिहादी आतंकी मॉड्यूल अभी भी सक्रिय है और राज्य पुलिस इन आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के लिए काम कर रही है। इससे पहले शनिवार को असम पुलिस ने भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा से संबंध बांग्लादेश के एक महत्वपूर्ण जिहादी संगठन से जुड़े एक बांग्लादेशी नागरिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों से कहा है कि वो लड़ने से पहले सवालों को समझे। उन्होंने किसानों से कहा है कि वो सबसे पहले राज बदले, फिर एकजुट होकर अपनी सरकार बनाए। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक रविवार को हरियाणा के जिंद में गांव कंडेला में आयोजित कंडेला खाप और माजरा खाप द्वारा आयोजित किसान सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल में राजधानी दिल्ली देश में सबसे आगे है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के मुताबिक दिल्ली में चलने वाले वाहनों में ई वाहनों की जिम्मेदारी 5% से अधिक हो गई है। दिल्ली के अलावा केवल त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर ई वाहनों की हिस्सेदारी 5% से ज्यादा है। यूक्रेन के हालात पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने कहा है कि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत ने अतीत में अपनी वायुसेना और नौसेना द्वारा खाड़ी युद्ध, लेबनान, लीबिया और इराक के दौरान पक्षपातपूर्ण प्रचार में शामिल हुए बिना भारतीयों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर सफल अभियान चला दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि रूस, यूक्रेन और नाटो को शांति बहाल करने और सभी मुद्दों के स्थायी समाधान के लिए ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए। रोहित शर्मा ने श्रीलंका पर पारी और 222 रन से बड़ी जीत दर्ज की और भारत की तरफ से दूसरे ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में ही किसी टीम को पारी के अंतर से हराया है। अपनी टीम को इस तरह की जीत दिलाने के बाद ही रोहित शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। उन्होंने कहा है कि अगर आप उस तरह के बेंच स्ट्रेंथ बनाते हैं तो अभी से सोचना शुरू करते हैं, तभी भारतीय क्रिकेट सही हाथों में होगा। भारत के एक ऐसे शानदार बेंच स्ट्रेंथ तैयार करना मेरी चुनौतियों में से एक है और मेरी जिम्मेदारियों में से एक है। मुझे कई बातों को ध्यान में रखते हुए उस तरह की बेंच स्ट्रेंथ बनानी है। महाराष्ट्र के मंत्री और राकंपा नेता नवाब मलिक को मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक को 7 मार्च तक ईडी की हिरासत में रखा गया था। यूक्रेन पर हमले के बाद पूरी दुनिया रूस के खिलाफ लामबंद हो गई है। अमेरिकी और यूरोपीय देश ने अपनी सभी तरह की सर्विस को रूसी लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि रूस के खिलाफ प्रतिबंध के मामले में भारत, चीन जैसे कुछ देश न्यूट्रल रुख अपनाए हुए थे, लेकिन अब खबर यह है कि चीनी शॉर्ट वीडियो मेकिंग कंपनी टिकटॉक ने रूस में अपनी सभी तरह की सर्विसेज को प्रतिबंधित कर दिया है। सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट के बाद भी कुछ शेयरों में बढ़त देखी गई। इन शेयरों में 10% से अधिक की तेजी आई है। 10% तक की तेजी वाले शेयरों में स्प्रेकिंग एग्रो इक्विप 13.08%, इसके साथ ही 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1350.19 अंकों के गिरावट के साथ 52983.62 पर कारोबार कर रहा था, जबकि 50 शेयरों वाला निफ्टी इंडेक्स 357.25 अंक गिरकर 15888.1 पर था। निफ्टी 50 इंडेक्स में 11 शेयर हरे रंग में कारोबार कर रहे थे, जबकि 39 शेयर लाल निशान में थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनऔषधि दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि जनऔषधि केंद्रों पर 800 करोड़ रुपए की दवाएं बिकी हैं। उन्होंने कहा है कि इसके तहत सरकार मध्यम वर्ग के लोगों की जेब का धन बचाकर उन्हें फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। इन केंद्रों पर अब तक 21 करोड़ सैनिटरी नैपकिन बिक चुके हैं, ये 1 रुपए में यहाँ से लिए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सोमवार को बुडापेस्ट में फंसे 6,711 भारतीय छात्रों के अंतिम जत्थे के साथ हंगरी से भारत वापस लौट आए हैं। केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बुडापेस्ट से हमारे 6,711 छात्रों के अंतिम बैच के साथ दिल्ली पहुंचकर प्रसन्नता हुई। यूक्रेन से लौटे युवा जब अपने घर पहुंचेंगे और अपने माता पिता के साथ होंगे तो खुशी, उत्साह और राहत का माहौल होगा। देशभर में अगले 24 घंटे में मौसम अपनी करवट बदलने वाला है। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु के अलग अलग स्थानों पर मौसम में हलचल होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई जगहों पर हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसमें 7 मार्च और 9 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारत सरकार ने देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक नई पहल शुरू कर दी है। स्कीम के तहत लोग अपने सहायक कर्मचारियों को पेंशन देने में सहायता कर सकेंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोगों को उनके सहायक कर्मचारियों की पेंशन निधि में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM के तहत डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम शुरू किया है। बता दें कि आज शुरू किए गए इस कार्यक्रम में 7 से 13 मार्च तक इसको मनाया जा रहे आइकॉनिक वीक में शुरू किए जाने वाले श्रम मंत्रालय की कई पहलों का हिस्सा है। भारत ने एक बार फिर से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 2 दिन पहले भी भारत ने इसका एक टेस्ट किया था। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक इन मिसाइल ने अधिक दूरी पर सटीक हमला करने में खुद को साबित किया है। इन मिसाइल को अंडमान निकोबार समुद्र में एक निर्जन टापू पर लॉन्च किया गया था। इस मिसाइल ने अपनी निर्धारित जगह पर एकदम सटीक हमला किया है। इस मिसाइल को बिना वॉरहेड के लॉन्च किया गया था। बहुन मुंबई महानगर पालिका ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे को उनके मुंबई स्थित बंगले पर कथित तौर पर अनाधिकृत बदलाव के लिए नोटिस भेजा है। बीएमसी की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए नोटिस में बंगले के मालिक से 7 दिनों के भीतर इस संबंध में उचित कारण बताने को कहा गया है कि आखिर इस तरह के बदलाव को क्यों नहीं गिराया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। यूपी में चुनाव प्रचार कर लौटे बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का दावा है कि वहां फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ पुनः राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य के कार्यों को लेकर लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने को लोकेशन घोटाला मामले में रविवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चित्रा रामकृष्ण को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने चित्रा रामकृष्ण को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। एएनआई के मुताबिक रविवार को सीबीआई की एक टीम ने चित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले सीबीआई ने 25 फरवरी को उनके सहयोगी आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कम से कम 300 सीट जीतने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की पटरियों को उखाड़ने के लिए तैयार है। कम से कम 300 सीट सपा महागठबंधन जरूर जीतेगा। समाजवादी सरकार बनेगी तो पूर्वांचल को अभूतपूर्व विकास की तरफ जोड़ने का काम करेंगे। पूर्वांचल को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी दिया गया है। वो उतना ही बना है जितना समाजवादियों ने बनाया था, अभी भी वो आगे नहीं जोड़ पाए हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो रूस में तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विचार कर रहा है। इसके बाद तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। साल 2008 के बाद से पहली बार जब तेल की कीमत इतनी बढ़ी हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने वाले ब्रेंट क्रूड की कीमत $139 प्रति बैरल पहुंच गई है। हालांकि फिर से थोड़ी गिरावट $130 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। रूस ने कहा है कि वो नागरिकों को निकालने की अनुमति देने के लिए नए मानवीय गलियारे खोलेगा। रूस की RIA नोवोस्ती समाचार एजेंसी द्वारा प्रकाशित निकासी मार्गों से पता चलता है कि नागरिक रूस और बेलारूस जा सकेंगे। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध घटनाक्रम पर टिकी हुई है। नेटफ्लिक्स ने कहा है कि वो रूस में अपनी सेवाएं निलंबित कर रहा है। कंपनी ने रविवार को एक बयान जारी कर रूस में अपनी सेवाएं निलंबित करने के फैसले के लिए जमीनी हालत को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि उनके कोई अतिरिक्त जानकारी उधर से नहीं मिली है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण आयातित मुद्रास्फीति और देश के व्यापार और चालू खाता घाटा बढ़ने की आशंका के बीच भारतीय रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के 12वें दिन सोमवार को पुतिन की सेना ने तेज हमले कर दिए हैं। यूक्रेन के खार्किव में कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। इस बीच दोनों देश के प्रतिनिधिमंडल आज तीसरी बार वार्ता करने वाले हैं। इस बातचीत के शुरू होने से पहले रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों में फिर से सीज फायर की घोषणा की है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मौजूदा हालात पर बातचीत की। मोदी आज ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत भी करने वाले हैं।
यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को 2 हफ्ते हो चुके हैं। इसमें भारत के छात्रों की हालत खराब है। यूक्रेन के सुमी शहर में करीब 600 छात्र फंसे हुए हैं। इस शहर के हालत सबसे ज्यादा बुरे हैं। शहर पर कई ज्यादा हमले हो रहे हैं और जरूरी सामान की आपूर्ति को भी काट दिया गया है। -5 डिग्री सेल्सियस तापमान में रह रहे छात्रों के लिए ना ही बिजली है और ना ही पीने का पानी। न्यू लिस्टेड स्टॉक CMS इन्फो सिस्टम में पिछले 1 महीने से करीब 17% की गिरावट आई है। 1 महीने पहले 7 फरवरी को कंपनी के शेयर 281.10 रुपए के स्तर पर थे, जो अब गिरकर 236.10 रुपए पर पहुंच गए हैं। बता दें कि CMS इन्फो सिस्टम में शेयर 31 दिसंबर 2021 को शेयर बाजार में लिस्ट हुए थे। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस वापस आ गया है। चीनी मीडिया के अनुसार देश में महामारी की शुरुआत में वुहान के प्रकोप के बाद से एक दिन में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। चीन ने कुल 526 मामलों की पुष्टि की है, जो कि पिछले 2 वर्षों में एक दिन में सर्वाधिक संक्रमण के मामले हैं। इनमें से 214 मरीज लक्षण वाले थे और 312 मरीज बिना लक्षण वाले थे। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र जारी है। इस बजट सत्र में आज फिर से विपक्ष की तरफ से काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। वहीं सुबह सुबह जाप की तरफ से भी राजभवन मार्च निकाला गया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अमर कुमार, सौरभ मिश्रा, नुन्नू कुमार, शमी आलम, सुमन सौरभ, सुवनेश्वर कुमार, सुभाष ठाकुर, अमित कुमार, जितेंद्र कुमार, प्रिया यादव ऑफिशियल, रिशु कुमार, जितेंद्र ठाकुर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार क्या रूस को इस युद्ध को खत्म कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।